नवरात्रि के पावन दिन अब शुरू हो चुके हैं। ऐसे में कुछ लोग नवरात्रि के दिनों में व्रत भी करते हैं। लगातार 8 से 9 दिनों के व्रत से शरीर पर बहुत असर पड़ता है। ऐसे में डाइट पर विशेष ध्यान देने की भी जरूरत है, क्योंकि कुछ भी गलत खाने से सेहत को नुकसान हो सकता है। व्रत के दौरान डाइट में दही शामिल करना भी फायदेमंद है। अगर आप पूरे दिन में एक बार भी दही खाते हैं तो इससे आपके लिए पूरे नवरात्रि के व्रत आसान हो जाते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं व्रत में दही खाना क्यों फायदेमंद है। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो गट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। वहीं दही पचने में भी आसान होता है, इसलिए इसे खाने के बाद भारीपन महसूस नहीं होता। दही के सेवन से पेट में जलन, एसिडिटी, अपच और कब्ज जैसी दिक्कतों से राहत मिलती है। दही शरीर में ठंडक भी बनाए रखता है। अगर आपको गर्मी ज्यादा लगती है या पाचन संबंधी परेशानी रहती है तो दही को डाइट में जरूर शामिल करें। दही का कूलिंग इफेक्ट बॉडी हीट को कम करता है, जिससे शरीर को आराम मिलता है। अगर आप व्रत के बाद वजन बढ़ने की चिंता कर रहे हैं तो एक कटोरी दही रोज खाएं। इसके सेवन से काफी देर तक भूख नहीं लगती और इसमें कैलोरी भी कम होती है, इसलिए व्रत में इसे डाइट में जरूर शामिल करें। दही के सेवन से शरीर के कई पोषक तत्व मिलते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन के साथ कैल्शियम और कई विटामिन भी होते हैं। ये पोषक तत्व बॉडी में एनर्जी लेवल को मेंटेन करते हैं, साथ ही आपको फ्रेश भी फील कराते हैं। दही बॉडी को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, खासकर अगर आप इसे लस्सी या छाछ की तरह पिए तो इससे आपको कई फायदे भी मिलते हैं। दही के सेवन से क्रेविंग कंट्रोल होती है। अक्सर व्रत के दौरान हमें भूख ज्यादा लगती है या कुछ अलग खाने का मन होता है। ऐसे में दही खाने से आपकी उस परेशानी से भी छुटकारा मिल सकता है। वहीं आपको बताते चलें कि दही के सेवन से शरीर से टॉक्सिन्स भी बाहर आते हैं। ये बॉडी को हाइड्रेट और डिटॉक्स करता है। इससे स्किन भी हेल्दी रहती है और बॉडी एनर्जेटिक रहती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।